हेलो स्टूडेंट्स आज क्लास प्लस टू यूनिट नंबर वन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हमारा टॉपिक है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ यूजिंग गॉज लॉ अब इस आर्टिकल में हम कंसिडर करेंगे एक पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू लाइंग एट पॉइंट ओ और इस पॉइंट चार्ज के कारण जो सराउंडिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा उसकी सिमिट्री सफेरिकल समिट्री होगी और पी पॉइंट जो है वो है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू और जो कैपिटल पी पॉइंट है वो ओ से आर डिस्टेंस अपार्ट है पर जो पी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ना वो यूजिंग गौजला निकालनी है तो गोजला के अकॉर्डिंगली अगर पी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है हमने तो जिस पॉइंट पे भी इंटेंसिटी निकालनी है यूजिंग तो वो पॉइंट क्लोज्ड सरफेस के ऊपर होना चाहिए दूसरी बात क्योंकि इस प्रॉब्लम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिमेट्री पोजेस कर रहा है तो इट मींस जो हम यहां पे क्लोज सर्फेस कंसिडर करेंगे वो सफेरिकल इन शेप होगा और सफेरिकल इन शेप कैसे होगा कि उस स्फीयर का सेंटर ओ हो होगा और रेडियस r होगा तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देखोगे तो ये गौशियन स्फीयर है s एस, और ऐसे ड्रॉ किया कि उसका रेडियस r है सेंटर o है तो उस कारण जो p पॉइंट है वो गौशियन स्फीयर के आउटर सरफेस पे आ गया अब p पॉइंट के अबाउट हमने क्या करना है एक स्मॉल एरिया वेक्टर ड्रा करना है और ds वेक्टर जिसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी और आप इस डी एस वैक्टर को डी ए वैक्टर भी लिख सकते हो और पी पॉइंट पे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट चार्ज है क्यूँ तो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ड्यू टू पॉइंट चार्ज होगी और वो भी रेडियली आउटवर्ड होगी और हमने यहाँ पे पी पॉइंट पे इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है यूजिंग गोज लॉ तो उसके लिए हम क्या करेंगे लॉ इक्वेजन नंबर वन लिख लिया मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ अब जब आप इस इक्वेजन नंबर वन को क्लोज सरफेस एस के साथ अप्लाई करोगे तो एस सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज क्यू एनक्लोज कितना है स्मॉल क्यू तो इट मींस जो इक्वेजन नंबर वन है वो ऐसे बन जाएगी दिस वन अब जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो ई वेक्टर एंड डी एस वैक्टर दे आर इन द सेम डायरेक्शन तो डॉट प्रोडक्ट का कॉज थीटा कॉज जीरो डिग्री होगा अब जो E है वो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है और क्योंकि ये जो आप गोशियन सफियर देख रहे हो ये गोशियन सफियर का जो सरफेस है उसके ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट भी कंसिडर करो वो पॉइंट पॉइंट चार्ज Q से इक्वी डिस्टेंस पे है तो वहां पे E वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम होगी सब पॉइंट पे तो इट मीन्स जो E है वो कांस्टेंट है तो उसको हमने इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल लिया अब जो मैंने सर्कल किया है उसके अंदर वाली जो टर्म है वो क्या है बेसिकली जो हमने क्लोज सरफेस सरफेसिडर किया है उसका टोटल सरफेस एरिया अब क्योंकि जो हमारा टोटल सरफेस एरिया फोर बाई आर स्क हमने यहां पे सब्सिट्यूट कर देना है तो ई e की वैल्यू आ गई तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू सोर्स चार्ज क्यू एट ओ और ये फार्मूला सेम है जो हमने कूलम्स की हेल्प से डिराइव किया था अब अगर हम यहां मान लें कि पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज लाई कर रहा है तो वो टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कितनी क्यू नॉट ई तो अगर हम ई e की वैल्यू फ्रॉम इक्वेजन वन यहाँ पे सबस्टिट्यूट करें तो जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा क्यू वो कितनी आ जाएगी दिस वन ये कुलमजलॉ तो इस तरह हम कूलम्स लॉ को विद दी हेल्प ऑफ लॉ डिराइव कर सकते हैं थैंक यू